आज यहां संथाल परगाना के इस वीर भूमि साहेबगंज जिले के इस पुलिस लाइन में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित राजमहल विधायक अनंत ओझा जी, बोरियो विधायक लोबिन हेमरम जी और हमारे भाई और राजमहल सांसद विजय हांसदा जी, यहां उपस्थित जिला परिषद अध्यक्षा, यहां उपस्थित जिले के सभी वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आप विभिन्न गांव से आए हुए, पंचायतों से आए हुए, स्कूलों से आए हुए हमारे किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। आपकी योजना, आपकी सरकार और आपकी द्वार इस कार्यक्रम के नाम से ही बहुत सारी चीजें समझ में आ जाता है कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। इस कार्यक्रम को शुरू हुए लगभग 15-16 दिन हुए हैं, बीच में त्योहार था, दिवाली आई, छठ आया, सोहराय आया, कई त्योहारें बीच में आई, उस समय ये कार्यक्रम को रोकना पड़ा। अब त्योहार समाप्त होने के बाद पुनः ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। सरकार ने एक महीने के लिए इस कार्यक्रम को एक मिशन मोड में लिया है और पंचायत पंचायत, गांव गांव, प्रखंड प्रखंड शिविरें लगाई जा रही हैं। आपको याद होगा पिछले साल भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, आपका सरकार आपके द्वार, अपार सफलता, लगभग 35 लाख से अधिक आवेदन हमें उस समय प्राप्त हुए थे। कई शिकायतें थी और जिसका लगभग 99% हम लोगों ने इस समस्या का समाधान भी किया और इससे यह लगता है कि आज जो हमारा झारखंड का जो भौगोलिक बनावट है, यहां का जो रहन सहन है, यहां के जो लोग हैं, यहां का जो गांव है, वो इस तरीके से रचा बसा है
कोई पहाड़ के ऊपर है, कोई पहाड़ के नीचे है, कोई नदी के किनारे है, कोई नाला के किनारे है, अनेकों गढ़ा डोड़ा में लोग रहता है। कई जगह पर पदाधिकारी जाने से भी कतराते थे, ना सरकार की योजना उन तक जाती थी, ना सरकार की आवाज, ना सरकार की नजरें। तो हमने ये निर्णय लिया कि सरकार अब इस राज्य में सबसे अंतिम में खड़ा व्यक्ति है उस तक भी पहुंचेगी, इसका संकल्प लेकर के हम लोगों ने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया। इतनी समस्या, इसका मतलब मुझे लगता है कि विगत 20 वर्षों में समस्या का समाधान कभी हुआ नहीं। कैसे 35 लाख 40 लाख आवेदन आ रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, लोगों की समस्याएं कैसी आ रही थी। तो हमें यह लगा कि कहीं ना कहीं इस राज्य के जो सामाजिक ताना बना है, यहां के जो लोग हैं, उनको सरकारी व्यवस्था पर विश्वास टूट चुका था। इसके कई एक कारण हैं और आज उसी विश्वास को हम लोग पुनः खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं और आज उसी का नतीजा है कि आज गांव-गांव में, पूरे राज्य में, पंचायत-पंचायत में मेला और उल्लास का माहौल है। हर जगह शिविर लग रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर के, अपना आवेदन लेकर के, और वहीं ऑन द स्पॉट इनकी समस्या का समाधान किया जाता है। और जो समस्या उस शिविर के समाधान के योग्य नहीं होता, उसे एकत्रित कर हमारे पास भेज दिया जाता है। अभी ये कार्यक्रम एक महीना जो अगले 15 तारीख को पूरा होगा, उस दिन तक चलना है और उसके बाद भी यह कार्यक्रम चलेगा, लेकिन यह हम लोगों ने विशेष रूप से यह दिन सुनिश्चित किया है जहां पर पूरी मुस्तैदी से पदाधिकारी कर्मचारी प्रखंडों में, पंचायतों में जा रहे हैं और लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। आज मुझे जो जानकारी मिली है और हम लोग ने जो पोर्टल बनाए हैं उसके माध्यम से हम लोग हर दिन की गतिविधियों को नजर रख रहे हैं। ये कार्यक्रम में कितने आवेदन आ रहे हैं, किन योजनाओं के तहत आवेदन आ रहे हैं, उसका समाधान कैसे हो रहा है, प्रतिदिन कितने आवेदन आ रहे हैं, प्रतिदिन कितने समस्या का समाधान हो रहा है, कितने समस्याओं का समाधान होना बाकी है, उन सभी का प्रतिदिन मॉनिटरिंग किया जाता है। हमारे साथ साथ इस राज्य में सिर्फ हम मंत्री नेता ही आप लोगों के बीच में नहीं है, हमारे सभी वरीय पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण करके इन योजनाओं का जायजा ले रहे हैं। आज मैं विभिन्न जिलों से होते हुए आज साहिबगंज जिला में आया हूं। यहां आने के पीछे योजना कैसे चल रही है, लोगों में उत्साह है कि नहीं है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये हम देखने आए हैं। आज मुख्य सचिव, सचिव सभी विभागों के अलग अलग जिलों में जाकर जहां जो कमी बेसी है उस समस्या का समाधान कर रहे हैं। ऐसा उत्साह आपने विगत 20 वर्षों में कभी नहीं देखा हो। और आज 15 दिन के अंदर आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 15 दिन के अंदर
21 लाख आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुआ है और उन 21 लाख में ज्यादातर समस्या का निपटारा भी कर लिया गया और इस योजना इस सरकार आपके द्वार का ये दूसरा चरण की योजनाओं के माध्यम से जो सावित्री बाई फूले योजना हम लोगों ने बनाया है उससे 9 लाख बच्चियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य हमने रखा है और उसमें अभी लगभग 2.5 लाख आवेदन हमें आ चुके हैं और 2.5 लाख में लगभग 1,25,000 आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है। जिस तरीके से आज बूढ़े बुजुर्गों का पेंशन को लेकर आए दिन बूढ़ा बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए दर बदर भटकता था, कभी नेताओं का चक्कर लगाता था, कभी दलालों का चक्कर लगाता था और पेंशन बनाने के चक्कर में अनेक दलाल लोग उनसे पैसा वैसा भी ठग लेता था, तो हमने कानून ही ऐसा बना दिया ना अब नेता ना दलाल, जो 60 साल का होगा उसको पेंशन मिलेगा, आप ब्लॉक में पहुंच जाइए। पहले पेंशन में सबका लिमिट बंधा हुआ था, इतना से अधिक लोगों को पेंशन नहीं देंगे। विधवा पेंशन में लिमिट बंधा हुआ था, इतने से अधिक विधवा महिला को पेंशन नहीं मिलेगा। विकलांग पेंशन में लिमिट बंधा हुआ था, इससे ज्यादा विकलांग लोगों को पेंशन नहीं देंगे। हमने वो सारी कानून बदलते हुए जितने राज्य में विधवा महिलाएं उन सबको पेंशन देने का कानून बना दिया, जितने विकलांग हैं सबको पेंशन देने का हम लोगों ने कानून बनाया। और तो और इस राज्य में जो महिला एकल है, जो अकेले महिला रहती है, उसको भी पेंशन मिलेगा, ये कानून हमने आप लोगों के लिए बनाया। ये भारत का पहला ये राज्य है जहां सर्वजन पेंशन मिलता है, सबको पेंशन मिलता है। देश में कोई ऐसा समृद्ध राज्य भी नहीं है जो अपने गरीबों को पेंशन दे, लेकिन यहां की गरीबी, यहां का पिछड़ापन को हम बहुत करीब से जानते हैं। पता नहीं राज अलग होने के बाद 20 साल कैसे काटे गए, ये बड़ा चिंता का विषय रहा है। और जब हम लोगों ने सरकार बनाई है 2019 में, सरकार बनाते ही आप सब लोगों को मालूम होगा कि सरकार ठीक से बैठी भी नहीं थी, कोरोना महामारी हम लोगों के सर पर आकर के बैठ गया। ना हाट, ना बाजार, ना दुकान, ना गाड़ी, ना मोटर, सब बंद। पूरा भारत देश बंद हो गया और झारखंड के जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर राज्यों में काम करने जाते थे, उन मजदूरों को कैसे लाने का काम किया है हम लोगों ने, वो भी किसी से छुपा नहीं है।